हुकूमत कोरोना वायरस और दूसरे मसाइल से क्या निपटेगी। हुकूमत के लिए तो आटे चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की अस्पतालों की बंदिश से मुतालिक केस में रिमार्क्स। ताफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर फौरी करंटीना सेंटर्स बनाने का हुक्म भी दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस के दौरान अस्पतालों की बंदिश से मुतालिक केस की समाप्त हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि जब मुल्क के बड़े ही मुल्क का इस्तेहसाल करेंगे तो क्या होगा। एहसास प्रोग्राम के तहत करोड़ों लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, वो लोग कौन हैं? इस पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत कोरोना वायरस से निपटने के लिए इकदाम कर रही है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करके एहसास प्रोग्राम रखा गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कैसे मालूम होगा, पैसे गरीब लोगों तक पहुंच गए हैं। वक्त बहुत अहम है, घड़ी चल रही है, एक एक मिनट अहम है, वक्त के साथ चले वरना पीछे रह जाएंगे। हुकूमत कोरोना वायरस और दूसरे मसाइल से क्या निपटेगी। हुकूमत के लिए तो आटे चीनी का इतना बड़ा स्कैंडल खड़ा हो गया है। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर सुप्रीम कोर्ट ने ताफ्तान, चमन और तुरखम बॉर्डर पर फौरी करंटीना सेंटर्स बनाने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि वबा से लड़ने के लिए हंगामी कानून साजी की जरूरत है। ये वबा बॉर्डर और दाखिली रास्तों से आई। हुकूमत इन दाखिली रास्तों पर कोई क्वारंटीन सेंटर बनाने में नाकाम रही। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हुकूमत अदालत में पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करवाए। अगर अदालती हुक्म पर अमल ना किया गया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी।